आज हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर देखेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, शुरू से बने रहिएगा आप और कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसा कि मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होंगे या फिर जो बताऊंगा मैं उसको नोट करते चलिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि नंबर्स क्या क्या होता है। जैसा हम लोग का जो इंडियन सिस्टम है जिसको हम लोग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति, क्या बोलते हैं? दशमलव पद्धति। अब कंप्यूटर इस पद्धति पे काम नहीं करता है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो काम करता है हम लोग का बाइनरी सिस्टम पे। ठीक है, किस पे? बाइनरी सिस्टम पे। तो डेसिमल सिस्टम हो गया, बाइनरी सिस्टम हो गया, एक होता है ऑक्टल सिस्टम। क्या होता है? ऑक्टल सिस्टम। और ये काम करता है, जैसे इसमें दो नंबर होता है, जीरो और एक, मतलब इसका बेस कितना हो गया? बेस हो गया टू। यहां पे नंबर होता है जीरो से लेकर नौ तक। ठीक है, जीरो से लेकर नौ तक, एक सफेद इसमें आ गया। तो इसका बेस देखा जाए तो बेस हो गया टेन, इसका बेस हो गया दो, जीरो और एक ही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जीरो से सेवन तक होता है। तो जीरो सेवन देखा जाए तो बेस कितना हो गया? एट हो गया। इसका बेस कितना हो गया? एट हो गया। तो ऑक्टल सिस्टम जो होता है ये भी आपका कंप्यूटर का ही सिस्टम है, कंप्यूटर का बोलते हैं डिजिटल सिस्टम में काम आता है। और एक होता है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम आता है, एचटीएमएल में, एचटीएमएल में। तो इसमें क्या होता है? इसमें जीरो से नाइन जो होता है डिजिट वो भी होता है, और ए टू एफ भी होता है लेटर में, ये सारा मिला के होता है। मतलब कितना हो गया यहाँ पे? बेस इसका हो गया 16। ठीक है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, केवल हमको आज पढ़ना है डेसिमल सिस्टम के बारे में। बाइनरी सिस्टम का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। तो चलिए देखते हैं डेसिमल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, चार तरह का सिस्टम हम देखें जिसमें हमको पढ़ना क्या है, डेसिमल, क्योंकि इंडियन सिस्टम है। और भी सब होते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है जो मनी का काउंटिंग होता है। इसमें हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम के बारे में। हाँ, तो डेसिमल सिस्टम में क्या क्या था? पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका लेटर होता है सी। ठीक है, और सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं इसको, और इसको लेटर सी से हम लोग डिनोट करते हैं। ये इसका एक अलग से चैप्टर है जो साइंस लेते हैं क्लास 11 12 में, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक अलग से चैप्टर होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? एक होता है रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी, रियल प्लस इमेजनरी मिला के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें जैसे मान लीजिए रियल नंबर में अगर ए आ गया और ए प्लस बी आई, तो जहां पे ए और बी दोनों ही रियल है और आई क्या है? इमेजनरी पार्ट होता है। आई क्या है? इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर मतलब इसको बोला जाता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या मतलब इसको बस हम लोग कल्पना में किए हैं, ऐसा कोई संख्या होता नहीं है। अच्छा, कैसे? जैसे बताइए आप माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेरी गुड, प्लस वन। आप प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा, प्लस वन, है ना? दोनों जगह में क्या मिलेगा? प्लस वन मिलेगा। तो एक चीज को आप नोट करिए कि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस, और प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो इसी से इमेजिनरी नंबर का जन्म हुआ। कैसे? कि अगर ऐसा हो जाए कोई संख्या, मान लीजिए कि हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस वन। मतलब कह रहा है कि अगर कोई नंबर को हम स्क्वायर करें और रिजल्ट क्या मिल जाए? माइनस, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग एज्यूम किए, इसलिए इसको बोला गया काल्पनिक संख्या या इमेजनरी नंबर। तो दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? माइनस वन रूट हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, और ये जो रूट चढ़ा है इसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग क्या? आई। ये क्या कहलाता है? आई, मतलब रूट के अंदर माइनस वन का जो वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब रूट अंदर माइनस वन को आई बोलते हैं, आयोटा। क्या होता है ये? आयोटा। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो साइंस लेते हैं, पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलिए, उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो आप याद रखिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि चार ऑप्शन दे, इसमें से पूछेगा कि कौन सा काल्पनिक संख्या है, मान लीजिए दे दो माइनस वन, रूट थ्री और माइनस थ्री, ऐसे करके। तो इन चारों में से बताना है कौन सा काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या कौन सा हो जाएगा? दो, तो दो नहीं है, माइनस वन नहीं है, रूट के अंदर होना चाहिए माइनस, तो ये हो जाएगा काल्पनिक। इसको हम लोग और ऐसे भी सकते थे, थ्री आई, अगर आई नहीं लिखा रहेगा तो इस तरह लिखा रहेगा, रूट के अंदर माइनस रहेगा। ओके, तो रूट के अंदर माइनस रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इमेजनरी नंबर। और ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलकर क्या बनता है? सम्मिश्र संख्या, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी का जो होता है सिंबल होता है आई, और रियल नंबर को
आर्क्स हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। क्या रियल नंबर, हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बना है, रियल और एक इमेजरी। इमेजरी को देख लिया हम लोग आयोटा के बारे में, अब रियल नंबर में आते हैं। क्या होता है रियल नंबर में आना है तो देखना है दो तरह का नंबर, एक हो गया भाई साहब रैशनल, ठीक है क्या हो गया रैशनल। रैशनल को बोलते हैं हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या, प्रमेय संख्या। दूसरा क्या हो गया इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल, अपरिमेय संख्या, ठीक है क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। पहले तो इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए एकदम बढ़िया से, डिफिनेशन क्या होता है इसका इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में। तो ये हो गया परिमेय संख्या, वह संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ध्यान देना वह संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। हाँ जहां जहां क्या जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए भाई साहब, जीरो हो जाएगा तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप वन बाई जीरो अगर लिखते हैं तो आप जीरो का टेबल पढ़िएगा कभी भी वन आएगा, जस्ट ऐसे मान लीजिए जीरो का पढ़ा कभी वन तो नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनंत। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ, वो संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बहुत सारा संख्या जैसे आप तीन लिखिए तीन के नीचे एक होता है, माइनस वन लिखिए इसके नीचे एक है, तो जहां पी बाई क्यू के रूप में किसी को लिख दीजिएगा वो कहलाएगा हम लोग का परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में पता चल गया आप लोगों को, तो क्या क्या संख्या आता है जैसे इसमें 0.5, 3.2, 1/2, 22/7 और कुछ ऐसे संख्या होते हैं जिसमें बार लगा हो वो सब भी क्या होते हैं जीरो भी, ये सारे क्या है रैशनल नंबर है। क्यों, इसको सभी को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। रूट नाइन लिख दिए, रूट नाइन जो बाहर निकलेगा तीन ही आएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या जो होते हैं वो उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये तो ठीक है, और भी एक बात होता है कि ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलिए थोड़ा जान लेते हैं टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 1/11/2 लिखा, तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 5.5, मतलब डेसिमल के बाद कुछ संख्या के बाद कट जाएगा। अगर नीचे 2 और 5 रहता है किसी के भी डिनोमिनेटर में हर में, तो वो क्या होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब बोला जाए तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ससीम, क्या होता है ससीम, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है असीम, और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्त, अनावर्त, अनावर्त मतलब जो कि रिपीट नहीं होता है ससीम, और एक होता है क्या आवर्त, आवर्त उसको बोलते हैं जो कि रिपीटिंग होता है, क्या होता है रिपीटिंग। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम लिखे 1/3, अब इसमें भाग लगाइए आप, तो 0 देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 3 3 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो ये सिलसिला भाई साहब चलते रहेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो इस चीज को रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। और इसको देखिए यहां से आया था ये, तो इसको फिर से हम लोग 1/3 ले सकते हैं, 0.3 को क्या ले सकते हैं 0.3 पे बार को हम ले सकते हैं 1/3, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है, इसको पी बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए ये किसमें आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये रिपीटिंग होता है, और इसमें ससीम का मतलब हो गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है देखते रहिए समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हो गया किसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते, ठीक है ये नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। और वरना क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन रिपीटिंग रहेगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कभी कटेगा नहीं और ना ही रिपीट होगा। कैसा नंबर आएगा इसमें, जैसे कि पाई, पाई हाँ पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है वो एक माना गया है, वो एक्चुअल में नहीं होता। पाई का वैल्यू जो होता है दसवीं के बाद बहुत घर तक रिपीट करता, वो बहुत घर के बाद रिपीट नहीं करता, वो चलते रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पाई का वैल्यू 3.14, आगे बहुत सारा नंबर होता है, उतना तो मेरे को भी याद नहीं है, तो 3.14 इसका अप्रोक्स लगते हैं, लेकिन ये कभी भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है अपरिमेय संख्या बोला गया। और जितने भी रूट में नंबर होते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सब भी कहलाते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में जो था डिफरेंस हम बता चुके हैं, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है, एक दो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या पूछता है कि बताइए दो परिमेय संख्या के बीच में, ठीक है, इसको हम लोग डोनेट करते हैं क्यू से और इसको क्यू डैश से कर सकते हैं,
या कहीं कहीं पी भी लिखा रहता है। तो क्यू से रैशनल नंबर को, ठीक है, सो नोट करते चलिएगा आप लोग दोस्तों, क्या है, दो परमेय या अपरमेय संख्या, दो परमेय संख्या ले या दो अपरमेय संख्या ले, रैशनल ले दो इरेशनल या फिर दो इरेशनल, ठीक है। तो दो रैशनल नंबर के बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है और दो इरेशनल नंबर के बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है, तो ये इसका क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप तीन और चार को ले, तो तीन और चार के बीच में कितने परमेय संख्या और होंगे, तो आप देखिए बोलेगा तीन और चार के बीच में तो कुछ नहीं है, बहुत सारे संख्या है, क्या क्या है, 3.001, 3.002, तो इस तरह से चलते जाएगा, ये जीरो को हम लोग कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग देखिए दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या, अनंत मतलब बहुत ज्यादा, इसको हम लोग गिन भी नहीं सकते। उसी तरह दो इरेशनल नंबर हो तो उसमें भी जो परमेय अपरमेय संख्या होगा दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा। चलिए देख लिए हम लोग दो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, बताना इनमें से कौन परमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी निकलेगा, और पाई तो अपरमेय संख्या ही होता है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से पूछ सकता है, चार ऑप्शन दिया रहेगा आपको, पूछेगा इनमें से कौन अपरमेय संख्या है, तो तीन परमेय दे दिया हो रहेगा, चाहे कुछ संख्या दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है अपरमेय है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हो, रैशनल प्लस रैशनल, ठीक है, आर फॉर रैशनल समझिएगा। तो रैशनल को और रैशनल जोड़ दे हम लोग तो क्या मिलेगा, हम लोग को रैशनल मिलेगा, रैशनल से रैशनल घटा ले तो भी रैशनल मिलेगा, रैशनल इंटू रैशनल करें तो भी क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा, रैशन नहीं रैशनल, तो रैशन सॉरी रैशनल प्लस रैशनल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, रैशनल नंबर, परमेय संख्या का जोड़ घटाओ गुणा भागा कुछ भी करेंगे तो हम लोग को परमेय संख्या ही मिलेगा, लेकिन परमेय संख्या का हम लोग जोड़ घटाओ गुणा भागा कुछ भी करेंगे तो परमेय संख्या मिलेगा, लेकिन अपरमेय संख्या का जोड़े हम लोग अपरिमेय संख्या प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये करने पर किसके, अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। तो अपरमेय संख्या ले ले एक और एक और अपरमेय संख्या ले ले और दोनों के बीच में जोड़ घटाओ गुणा भाग करने से क्या मिलेगा, दोनों ही मिल सकता है रिजल्ट, क्या क्या मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है मतलब परमेय भी और अपरमेय भी, ठीक है। क्यों, मान लीजिए आपने रूट थ्री लिया और इसमें जोड़ दिया आपने माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री पे जोड़ सकता है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, जीरो, तो जीरो मिल जाएगा, लेकिन हमेशा जीरो मिले ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप एक तीन लिए और एक लिए रूट थ्री, तो ये तो अपरमेय संख्या हो गया, तो आपको परमेय संख्या ही मिल सकता है और अपरमेय संख्या ही मिल सकता है, ठीक है। तो और भी इसमें क्वेश्चन सारे पूछते हैं, तो दो परमेय संख्या के बीच में, दो परमेय संख्या के बीच में हम लोगों को देखा कि अनंत नंबर ऑफ परमेय संख्या होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा परमेय संख्या हो जिसको हम लोग गिन दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसके बीच में दो संख्या दिखाइए, तीन संख्या दिखाइए, तो मान लीजिए ऐसे लिखा है एक बटे तीन और एक बटे दो के बीच में दो परमेय संख्या लिखिए, तीन परमेय संख्या लिखिए, तो इसका एक तरीका है जो हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले क्या करते थे, इसको जो बेस है उसको सेम करते हैं, तो सेम करेंगे, यहाँ तीन है यहाँ क्या है दो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दो बाई दो से और इसको थ्री बाई थ्री से, थ्री बाई थ्री से, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ दो हो गया, यहाँ पे छः हो गया और यहाँ पे तीन हो गया, यहाँ पे छः हो गया, अब बेस सेम हो गया, तो अगर आपको बोले कि तीन परमेय संख्या निकाल लें, चार परमेय संख्या निकाल लें, पाँच परमेय संख्या निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, बोले आप पहले बेस को सेम कर लीजिए, बेस को एक बार सेम कर लेना है, फिर जितना बोले उसको पकड़ लेना है एन, जितना संख्या निकालने बोले तीन चार पाँच कुछ भी बोले उसको क्या पकड़ना है एन, मान लीजिए तीन बोला तो तीन एन कितना हो गया तीन, अब एक बढ़ा के लेना है एन प्लस वन लेना, मतलब एक बढ़ाना, जितना बोलेगा परमेय संख्या निकालने उससे एक बढ़ा के लेंगे तो कितना हो गया चार, पहले बेस सेम कर लीजिए फिर इसको गुना कर लीजिए, चार बटे चार से, चार बटे चार से ये बन जाएगा आठ, ये हो जाएगा चौबीस, ये हो जाएगा चार तीय बारह, छः चौके चौबीस, इस तरह से बेस सेम हो गया तो इसके बीच में क्या आ जाएगा नौ बटे चौबीस, दस बटे चौबीस, ग्यारह बटे चौबीस, इस तरह से तीन तीन संख्या आ गया। उसी तरह अगर पाँच बोलता तो हम लोग कहाँ कितने गुना करते हैं, छः से करते हैं, ठीक है। तो पहले बेस सेम कर लीजिएगा और फिर ऐसे करते हैं, और चार के बीच में दोनों ही परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या लेंगे, कुछ नहीं करना है, रूट थ्री इंटू फोर कर देना है, तो कितना हो जाएगा बारह, कैसे देखिए जरा, ये होता है रूट नाइन और ये होता है रूट सिक्सटीन, वेरी गुड, ठीक है, ये क्या होता है रूट, रूट होता है सिक्सटीन और ये होता है रूट नाइन, तो ये नाइन के बाद टेन इलेवन ट्वेल्व होगा, तो हम लोग देख ले ट्वेल्व क्या होगा, उसके बीच में होगा, होगा थ्री और चार के बीच में क्या होगा रूट ट्वेल्व। अब देखेंगे हम लोग परमेय संख्या को भी हम लोग बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, एक हो गया यहां पे फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, और एक हो गया, एक क्या हो गया इंटीजर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न, ठीक है, क्या बोलते हैं भिन्न, और एक और भी होता है इसको बोलो बोलते हैं दशमलव, क्या होता है दशमलव, इसको बोलते हैं डेसिमल,
आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन बदलने के लिए, ठीक है। तो एक इसको भिन्न बोलते हैं, इसको दशमलव बोलते हैं, और ये हो गया इंटीजर। क्या इंटीजर, आइए थोड़ा इंटीजर को पहले जान लेते हैं हम लोग। इंटीजर एक तरह का पॉजिटिव होता है, प्लस भी, पॉजिटिव में प्लस भी और नेगेटिव में माइनस भी। जैसे कि जो नंबर लाइन होता है हम लोग उस पर दिखाते हैं इसको, इस तरह का नंबर लाइन होता है जहाँ जीरो इधर में प्लस इन्फाइनाइट तक, इधर में माइनस इन्फाइनाइट तक, मतलब एक दो तीन, यहाँ पे माइनस एक माइनस दो, इस तरह से नंबर सारे होते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अगर जीरो को किसी में ऐड कर दे या सबट्रैक्ट कर दे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, एज जैसे था वैसे ही रहता है। जैसे 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 0 0, ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने, इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। नेगेटिव में क्या क्या हो सकेगा, जितना भी नंबर है माइनस 1 शुरू करिए इन्फिनाइट तक चलिए, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा 1 से शुरुआत करिए और प्लस इन्फिनाइट तक चलिए, ठीक है। देखते रहिए आप लोग, ये थोड़ा बात करते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में देखिए एक होता है प्रॉपर, ठीक है। अच्छा इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, उसमें देख लीजिएगा हिंदी नहीं बताया उसका, पूर्णांक होता है, क्या होता है पूर्णांक, उसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं उसको, इंटीजर को। प्रॉपर इम्प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर क्या हुआ, जिसका वैल्यू एक से छोटा हो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर, जैसे कि 3/4, 5/6, ये सब में देखिए आप जो न्यूमरेटर है अंश, क्या अंश, इसको अंश बोलते हैं इंग्लिश से, बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हर, मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अंश अगर छोटा हो जाएगा भाई साहब, अंश क्या हो जाएगा छोटा, तो क्या कहलाएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसका उल्टा जस्ट ये हो जाएगा 4/3 और 6/5, ये दोनों क्या कहलाएगा इम्प्रॉपर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू एक से ज्यादा है, ठीक है। इसको उचित और अनुचित बोलते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ठीक है। तो इसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में याद रखिए, अच्छा लगता है उसमें, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध भी बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, और एक होता है मिक्स्ड भिन्न, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन उसी का बनेगा जो इम्प्रॉपर होगा, मिक्स फ्रैक्शन उसी का बनेगा जो इम्प्रॉपर होगा, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि ये लिखिए हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1/3, 1 होल नंबर 1/5। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में देखा हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ठीक है। तो ये हो गया। तो डेसिमल का थोड़ा बात कर लेते हैं, डेसिमल एक होता है सिंपल डेसिमल, ऐसे लिखा हुआ 5, तो इसमें जीरो हम कितना भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2.5 लिखा हुआ है, 2.53, या फिर ऐसे भी लिखा रहता है 0.5 इसमें बार, या फिर 0.62 ऐसे बार। तो ये सब भी डेसिमल सिस्टम में आता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको हम लोग PYQ के रूप में बदलते हैं। इंटीजर थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। इंटीजर में जो पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव इंटीजर, उसमें देखते क्या क्या होता है। उसमें फिर दो पार्ट आ जाएगा, एक हो जाएगा नेचुरल नंबर और एक हो जाएगा होल नंबर। किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या या अखंड संख्या, अखंड संख्या, ठीक है। इसका सिंबल W होता है, इसका सिंबल N होता है, और इंटीजर का तो I होता है, बताइए। तो N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, ये शुरुआत होता है एक से लेकर चलते रहे कहां तक इन्फिनाइट, जितना भी काउंटिंग नंबर है सभी प्राकृतिक संख्या। और क्या हुआ दोस्तों कि यहां जीरो तो नहीं है, तो इसको घमंड था कि ये नेचुरल नंबर है भाई, मेरा स्टार्टिंग हम पहले से करते हैं, ठीक है ना। तो एक कहावत बोलते हैं ना, छत को घमंड था कि वो छत है, छत को घमंड था कि वो छत है, एक मंजिल और बन गया तो छत क्या बन गया, फर्श बन गया। ठीक उसी तरह से जीरो का डिस्कवरी हुआ तो ये सबसे पहले आने लगा, होल नंबर, जीरो एक दो सब रहेगा इसके अंदर, जितना भी नेचुरल नंबर है सब आ जाएगा, तीन और इन्फिनाइट चलेगा, ठीक है। तो इसमें सारा जो नंबर है सारा क्या है, पॉजिटिव है। तो नेचुरल नंबर देख लिए हम लोग, होल नंबर देख लिए, अब हम लोग नेचुरल नंबर के अंदर अंदर ही बहुत सारे नंबर आते हैं उसको देखिए। तो जो नेचुरल नंबर होता है उसमें देखिए क्या होता है, एक से लेकर दस तक, एक से दस पूछ देगा, एक से सौ बोल देगा, इसके बीच का सम कितना होगा, एक से लेकर दस तक जोड़ेंगे सम कितना होगा, ये होता है दोस्तों कितना, 55। कैसे आता है, एक फॉर्मूला याद रखिए, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एन क्या है, लास्ट नंबर, एन क्या है, लास्ट नंबर, जो भी संख्या बोल दी एक से लेकर दस तक, दस पुट कर दिए यहाँ पे, 10 × 11 डिवाइड बाई दो काटिए कितना हो गया 55, वेरी गुड। 100 रहेगा तो n कितना हो गया 100, उससे एक बढ़ा लीजिए 101 डिवाइड बाई 2,
50 तो जाएगा 50 50, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी नंबर दे देगा तो, ठीक है, प्राकृतिक संख्या ऐसे बोलते हैं। ये सब दोस्तों एवरेज हम लोग जो पढ़ेंगे एवरेज में काम आएगा, होल नंबर रहेगा तो देखिए जीरो भी काउंट होता है इसमें, जीरो एडिशन में तो कोई बढ़ाएगा नहीं वैल्यू, जीरो किसी में ऐड करेगा तो कुछ वैल्यू नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये नंबर बढ़ाता है, मुंडी गिना गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखा नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है। नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कुछ नंबर और भी हैं, जैसे कि ऑड नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑड नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, बेजोड़ संख्या बोलते हैं, क्या विषम संख्या, विषम जो सम नहीं है, विषम संख्या इसको बोलते हैं, सम संख्या जो दो से कट जाए, जैसे कि एक तीन जिसके लास्ट में एक तीन पांच सात और नौ आए, ये सब नंबर आए तो क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। सम संख्या में क्या होगा, जस्ट इसके उल्टा, जो संख्या बच गया दो चार छह आठ दस नहीं जीरो, ठीक है, अंत का देखना ना, दो चार छह आठ जीरो, ये क्या है, इवन नंबर है, जिसके लास्ट में अगर ये सब रहे वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा, जोड़ा संख्या कहलाएगा। अब जानते हैं लोग प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या मीनिंग होता है दोस्तों इसका, वैसे नंबर जिनका केवल दो फैक्टर होता है, ठीक है, जिनका केवल ओनली टू फैक्टर, दो फैक्टर, जिसका केवल दो फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एक क्या होना चाहिए, पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर वन, फर्स्ट फैक्टर होगा वन, एंड अदर, दूसरा क्या होगा, अदर इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है, एक तो एक होगा, दूसरा क्या होगा, वो नंबर खुद होगा, ठीक है। पहला एक होना चाहिए, जैसे कि सबसे जो पहला स्टार्टिंग संख्या होता है अभाज्य संख्या वो दो होता है, और दो ही एक ऐसी संख्या है दोस्तों, दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम है, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा जो क्या होगा, जो अभाज्य होते हुए सम होगा, ठीक है। दो याद रखना है, दो एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य है और सम भी है। तो ये तो हो गया अभाज्य संख्या का डेफिनेशन। तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, दो से ज्यादा, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर मतलब दो से ज्यादा जिसका फैक्टर होगा उसको बोलेंगे। कहां शुरुआत होगा, ये मान लीजिए दो है तीन, क्या है तीन का भी तो एक और तीन होगा, हाँ ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो ये शुरुआत होगा चार से, कैसे, इसका एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कट जाएगा, तो ये दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वेरी गुड, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो देखिए हम लोग प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर सब देख लिया, कंपोजिट नंबर भी देख लिया। अब प्राइम नंबर में कहीं कहीं पूछता है, ये हो इसका ही सब पार्ट है, को प्राइम, को प्राइम को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम को क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम या सह सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य क्या होता है, जिसका एस सी एफ अगर वन आ जाए, ठीक है, एस सी एफ अगर वन आ जाए, 17 मान लीजिए, 17 23 ले लीजिए, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका एस सी एफ, ऐसे भी प्राइम नंबर जो होते हैं उसका एस सी एफ वन ही होते हैं, और एल सी एम अगर पूछ ले तो दोनों संख्या गुणा कर दीजिए, जैसे कि दो और तीन, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, इसका अगर एस सी एफ पूछ दे तो कितना हो जाएगा, आंसर वन, लेकिन अगर पूछ दे एल सी एम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो हुआ एस सी एफ, सहअभाज्य। एक होता है ट्विन प्राइम, जोड़ा, ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं, ट्विन प्राइम जिसका दो का गैप हो, गैप कितना का हो, दो का, दो प्राइम नंबर लेना है जिसका गैप कितना का हो, दो का, जैसे कि दो और तीन, नहीं तीन और पांच, ये रहेगा क्योंकि इसमें एक संख्या आना चाहिए, दोनों के बीच में एक संख्या चार है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का ट्विन प्राइम, ठीक है, मतलब लगातार नहीं होना चाहिए संख्या, एक संख्या उसके बीच में होना चाहिए, जैसे कि पांच और सात हो गया, बीच में छह है, तो ये सब कहलाएंगे हम लोग का ट्विन प्राइम। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, 6m प्लस और माइनस 1, ठीक है, m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये केवल दो और तीन को छोड़ के, दो और तीन को छोड़ के, क्योंकि अगर यहाँ पे वन भी पुट करेंगे हम लोग तो ये पांच मिलेगा, अगर माइनस कर लेंगे तो, और ऐड करेंगे तो सात मिलेगा, मतलब दो और तीन को छोड़ के बाकी जो प्राइम नंबर निकालना है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 6m प्लस माइनस 1 से। देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ पे अगर तीन पुट करिएगा m के बदले तीन पुट करिए तो छह तीन कितना मिलेगा आपको, 18, अब प्लस एक कर दिया तो मिल जाएगा 19, और माइनस एक कर दिया तो मिल जाएगा 17। तो इस तरह से आपको प्राइम नंबर मिल सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40,
है, एक से लेकर 10 तक के बीच पूछ दे, तो इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग? ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, एक दो तीन, कैसे याद रखना है, एक दो तीन और आगे से चार चार, ठीक है, आगे से चार चार याद रखना है। तो क्या बताया मैंने, एक दो तीन याद रखना है ऊपर से, एक दो तीन और ऊपर से दोनों चार चार, और यहाँ पे दो दो, यहाँ पे दो दो, और बीच में तीन। देखना ध्यान से क्या बोला मैंने, ऊपर का दो चार, नीचे में एक दो तीन, और फिर दो करके और बीच में तीन रहेगा। क्या ही क्या लिख रहा है मैंने, ये क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने इन इन संख्याओं के बीच आने वाले प्राइम नंबर को। एक से लेकर 10 तक देखिएगा आप, तो क्या आता है इसमें, दो तीन पाँच सात, ये चार परिमेय संख्या आते हैं। उसी तरह 11 से लेकर 20 तक भी देखेंगे तो क्या क्या आता है, 11 भी आएगा, 11 को लेकर चलना है, 11 13 ठीक है, 17 और 19, ये जो संख्या हो गया क्या हो गया, 11 13, ये चार संख्या हो गया। तो ये अगर देखा जाए तो पूछ दे आप इसको कि एक से लेकर 100 तक में कितना परिमेय संख्या है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 25। ठीक है, कैसे याद रखना है, पहले एक से लेकर 10 तक में चार, 11 से 20 में चार, और नीचे का एक दो तीन, नीचे से याद करना है एक दो तीन, फिर दो होगा, फिर दो होगा, फिर बीच में तीन, मतलब 50-50 में कितना हो जाएगा, तीन, बाकी ऊपर का दो, ऊपर का दो, दो दो करके। ठीक है, आप एक बार इसको खुद से करके देख लीजिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा नंबर सिस्टम के बारे में, कैसे कैसे नंबर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सब पार्ट लेके आएंगे और भी आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए।